अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। क्रिस्प ऑफ लाइफ की किचन में आज हम बनाएंगे कीमा भरे करेले, एक ट्रेडिशनल डिश जो हर दिल अजीज है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हम कीमा रेडी कर लेंगे करेलों के लिए। एक पैन लिया मैंने, इसमें मैं ये कीमा ऐड कर दूंगी। ये 1 किलो कीमे में मैं 2 बड़े साइज के प्याज ऐड कर दूंगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी भर के 1 चम्मच। जीरा ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भरकर। नमक ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भरकर। हल्दी ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी 2 चम्मच। पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भरकर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दही ऐड या टमाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़े कीमा है, मतलब बीफ का कीमा। मिक्स करने के बाद अब हम इसे लिड लगा लेंगे और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना है फिलहाल। 10-15 मिनट बाद हम लिड उठा के चेक कर लेंगे। कीमे ने और प्याज ने अपना अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब हम इसी पानी में इसी कीमे को पकाएंगे। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया हुआ है प्याज का और कीमे का। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी बहुत ही थोड़ी मिकदार में, राउंड अबाउट 1/4 कप। बस अच्छी तरह से अब इसको हम भून लेंगे। जब हमें महसूस होने लगे कि ऑयल हल्का हल्का बाहर आना शुरू हो गया, वैसे इसमें हम बहुत ही कम ऑयल डालेंगे क्योंकि इसने भी फ्राई भी होना है ना करेलों ने, जब हम करेलों में भर लेंगे प्याज को। 1 चम्मच में भर के इसमें गरम मसाले का ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। कीमा तो हमारा रेडी हो गया, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हम इसमें धनिया और सबस मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे। अब बारी है करेलों को रेडी करने की। करेले मैंने वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद मैंने यूं पिलर से इनको पील ऑफ कर लिया है और ये जो पील ऑफ करके के बाद ये जो इसका ऊपर का छिलका था ये मैंने सेव कर लिया है। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं भी आपको बताऊंगी। पील ऑफ करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नाइफ करेले को लेके यूं कट किया है और इसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं वो मैंने सारे इस तरह निकाल लिए, ये डिस्कार्ड कर देंगे हम। तो चलिए आप ही देखते हैं फर्दर क्या करना है। तो जी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है करेलों में कीमे को बना। कीमा मैंने ठंडा कर लिया हुआ और इसमें मैंने धनिया और सबस मिर्च ऐड कर ली हुई है। अब हम एक स्मॉल साइज़ का स्पून लेंगे, इससे हम करेलों में कीमा भरेंगे। और एक मैं चाहिए वाइट कलर का धागा, इससे हम धागे से करेलों को रैप करेंगे। करेलों में कीमा भर लिया हुआ है, अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसको धागे से रैप करेंगे। अब मैं एक पैन लूंगी और उस पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और उसमें करेलों को रख दूंगी। करेलों को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसी तरह सारे करेलों को हम शैलो फ्राई करते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे, जिस जैसे होते जाएंगे उधर उधर से।
करेले सब फ्राई हो गए हुए हैं, अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। एक पैन लूँगी मैं, उसमें मैं ये जो करेलों के वो पील ऑफ किया हुआ छिलके थे इसको अच्छी तरह से वॉश करके निचोड़ लूँगी, स्क्वीज कर लूँगी इसका पानी, और उसके बाद इसको हम भी शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में पहले इसका मैं पानी खुश करूँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसका पानी खुश कर लिया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। करेलों के जो छिलके थे ये फ्राई हो चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया हुआ है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, दो दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए। एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ, मिक्स कर लूँगी इसको। अब मैं एक चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी, एक चम्मच हल्दी ऐड करूँगी, एक चम्मच भर के नमक का ऐड करूँगी और एक चम्मच भर कर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। दो तीन सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट के ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं सारे को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इसे ढक के रख दूँगी। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको ज़रा भून लेंगे हाई फ्लेम पर। वन बाय वन अब हम इसमें सारे करेले ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। इस टाइम पर हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और बहुत हल्के हाथ से करेलों और मसाले को आपस में मिक्स कर लेंगे। करेले भरने के बाद जो हमारा रिमेनिंग कीमा था उसको भी हम बीच में ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर सब्ज धनिया ऐड करके दम वाली आंच पर हम इसे 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा कीमा भरे करेले रेडी टू ईट है। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी कीमा भरे करेले रेडी हैं। यह है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, हाज़िर होती हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फी अमानल्लाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।